हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो वहाँ से प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपने सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो वहाँ से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर आप अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेंगे। आप सिंपल इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि आपको कहीं और जाना है लेकिन आपने गलत रास्ता चूज कर लिया, तो क्या आप सही डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो सही स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लिए सही स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक का सिलेक्शन किया है जिसका नाम है आपका SRF, और इसका हमने 5 मिनट वाला चार्ट ओपन किया है। अब देख सकते हैं आज यानी 13 सितंबर को यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन किया था, और देख सकते हैं 13 सितंबर को लगभग आपका इसके करीब ओपन हुआ था और यहाँ से ये ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो जो स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूव दिखाया है, और इस अपसाइड मूव से हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इस स्टॉक का सिलेक्शन किस बेसिस पे किया वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बनाना आसान हो जाता है, कोई भी लोग यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन हमने स्टॉक का सिलेक्शन क्यों किया वो जानना ज़रूरी है, चलिए उसको यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमने SRF स्टॉक का सिलेक्शन किस बेसिस पे किया है। तो यहाँ पे इसके लिए एक स्कैनर है, सिंपल आपको एक स्कैनर का इस्तेमाल करना। अब स्कैनर है क्या, सबसे पहले जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर प्राइस निकलना चाहिए, और जो पाइवट पॉइंट है उसके ऊपर भी ये ओपन होना चाहिए। यानी हमें स्टॉक्स में ओपनिंग कहाँ पे चाहिए, पाइवट पॉइंट के ऊपर, और फिर वो प्रीवियस डे का जो भी हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये स्टॉक्स हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सुटेबल स्टॉक्स बन जाएगा, फिर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ अपना क्राइटेरिया सेट किया है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको सिंपल सा इस स्कैनर का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ये स्कैनर ओपन कर सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं स्टॉक्स का नाम आपको नीचे दिख जाएगा, इसमें से जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगता है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, पेनी स्टॉक्स या फिर जिस स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर जहाँ पर मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है उस स्टॉक्स को आप एवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जो स्टॉक्स आपका पॉपुलर है उसी सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट है, बाटा है, ट्रेंट है, डिक्शन है, वेदांता है, टाटा केमिकल है, ACC है, आज तो दिग्गज दिग्गज स्टॉक्स भी है, टाइटन, HDFC, आपका इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे, SBI लाइफ, जिंदल, वोल्टास, UPI, पावर ग्रिड। तो आज तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब में से जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगता है वहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी में से दो स्टॉक्स को फिल्टर किया और उसमें हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप करेंगे, इंट्राडे ट्रेड लेंगे। तो चलिए वापस से चार्ट पे आते हैं और हम अपना पूरा ट्रेडिंग सेटअप कैसे फॉर्म करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। अब चार्ट पे देख सकते हैं हमने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में बताया था कि यहाँ पर हमने पाइवट पॉइंट इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। ये जो आपको दिख रहा मल्टीपल लाइन, ये आपका पाइवट पॉइंट है, और हमें क्या चाहिए, पाइवट पॉइंट से ऊपर ओपनिंग चाहिए और प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। यही दो कंडीशंस है, पहला कंडीशन है कि पाइवट पॉइंट के ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी ओपन होगा पाइवट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीवियस डे का जो भी हाई पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये स्टॉक्स हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सुटेबल है, इसमें हम आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा।
आज जो ओपन हुआ देख सकते हैं, ये हमारा पाइवट पॉइंट का लाइन है। पाइवट पॉइंट का लाइन आपको पी से डिनोट होता हुआ दिख जाएगा। जो ओपन हुआ इसके ऊपर ही ओपन हुआ, यानी पहला क्राइटेरिया जो पाइवट पॉइंट वाला था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रीवियस डे के हाई को मार्क करेंगे, प्रीवियस डे का हाई देख सकते हैं ये पॉइंट था, और पहला 5 से 10 मिनट में प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, यानी जो दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा क्राइटेरिया था वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। बस हमें यही दो चीज़ चेक करना था। अब इसके बेसिस पे हम क्या यूज करेंगे, प्राइस एक्शन यूज करेंगे, और इसके बेसिस पे हम अपना एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सेल, ये सब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया, पहला कैंडल आपका रेड फॉर्म वर्क किया है, ठीक है। दूसरा कैंडल आपके बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा, तीसरा कैंडल भी बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा। तो पहला 3 कैंडल हमने वेट कर लिया, और इस 3 कैंडल का जो भी हाई बना उसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ अपना एंट्री लेंगे, और उसके बाद ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एंट्री पॉइंट और SL बन गया। अब हम अपना यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, टारगेट प्राइस के लिए आप प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो रख सकते हैं, यानी तो आप नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग SL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे प्राइस के साथ ट्रेल करते चलिए, नहीं तो आप इस रिस्टेंस लेवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, R2 और R3, ये भी अपना आप टारगेट प्राइस के रूप में सेट कर सकते हैं। पहला टारगेट प्राइस आप इसको रख सकते हैं, उसके बाद दूसरा इसको रख सकते हैं, इसके करीब जाके देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे रुकता हुआ दिखा, यानी तो प्राइस यहाँ पे भी रुका है। तो जैसे ही प्राइस आपको एक रेंज में मूव करता हुआ दिखे, यहीं से क्या करना, आपको एग्जिट हो जाना है। तो ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने एंट्री कहाँ पर लिया। अब मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एंट्री का लेवल बनाया 2750 के करीब एंट्री का लेवल बनाया, और यहाँ पे SL की अगर हम बात करें तो 2730 के करीब SL बन रहा है। तो SL हमारा है 2730 और 2750 के करीब यहाँ पे हमने एंट्री लिया बाई साइड की तरफ। और अगर हम फर्स्ट टारगेट प्राइस की बात करें तो आपका है 2800 के करीब, यानी पहला टारगेट मेरा बन रहा है वो 50 पॉइंट के करीब बन रहा है, और SL मेरा है लगभग आपका 20 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हद तक हमारे फेवर में ही जा रहा है, और अगर आप इस पॉइंट पे टारगेट बुक करते हैं तो और ऊपर यहाँ पे लगभग आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट और मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट था स्टॉक का सिलेक्शन, वो यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कर लिया। अब यहाँ पे हम उसी लिस्ट में से एक और को निकालें, वो है हमारा दीपक नाइट्रेट, इसके भी 5 मिनट के चार्ट को यूज करें। अब एक और चीज़ है कि लोगों को डाउट रहता है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। तो जो भी टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे 5 मिनट में करते हो या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट, इन तीनों में से जो भी आपको सही लगता है वो टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट से नीचे नहीं जाना, और कोशिश करना है कि 30 मिनट से ऊपर भी नहीं जाना। 5 मिनट और 30 मिनट के बीच में जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल है उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे दूसरे एग्जाम्पल पर, अब यहाँ पे भी हमारे सामने पाइवट पॉइंट का लाइन है, ये हमारा है जहाँ पे पी दिख रहा है, ये हमारा पाइवट पॉइंट का लाइन है। तो हमें ओपनिंग कहाँ पे होना चाहिए, पाइवट पॉइंट के ऊपर, देख सकते हैं ओपनिंग पाइवट पॉइंट के ऊपर दिया है, यानी पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया पाइवट पॉइंट वाला। दूसरा कि प्रीवियस डे के हाई को देख सकते हैं, प्रीवियस डे का हाई है, यानी ओपन ही हुआ प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, यानी ओपन होते ही दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये स्टॉक्स भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सुटेबल है। अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री खोजेंगे। तो पहला कैंडल आपका ये हाई बनाया और ये लो बनाया, दूसरा कैंडल उसी के अंदर फॉर्म हुआ, उसके बाद जैसे इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलेगा, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, बाई साइड की तरफ यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा, और ये जो पॉइंट है हमारा SL बन जाएगा, ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट 1। फिर इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके, यानी तो इससे ऊपर जो लेवल है 2300, ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं किस लेवल पे यहाँ पे हमने एंट्री लिया। एंट्री जो लिया लगभग आपका 2220 के करीब हमने एंट्री लिया, तो एंट्री पॉइंट जो हमारा बन जाएगा वो 2220 करीब। अगर हम यहाँ पर SL की बात करें तो हमारा जो SL बन रहा वो 2190 के करीब बन रहा, 2190 यानी लगभग 30 पॉइंट का SL बन रहा है। और अगर हम पहले टारगेट प्राइस की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस बन जाएगा 2274, यानी लगभग यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का क्या बन रहा है, टारगेट बन रहा है, और SL बन रहा है 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हद तक हमारे फेवर में है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। तो यहाँ पर आप आसानी से इस ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं।
तो देख सकते हैं हमने किस बेसिस पे यहाँ पे अपना टारगेट सेट किया, एसएल सेट किया और हमने एंट्री लिया। हमें ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना उतना डिफिकल्ट नहीं लगा था क्योंकि मार्केट हमें एक सिंगल डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने पहला कैंडल का एक रेंज बनाया, उस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया हम यहाँ पे एंट्री ले लिए और उसके बाद हमें अपसाइड मोमेंटम दिखने लग गया और यहाँ पे थोड़ी बहुत बायर्स में कमजोरी दिखा तो यहीं पे हम निकल लेंगे या फिर उससे पहले भी हम निकल सकते हैं, नहीं निकले तो हम इस लेवल पे भी निकल सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्क्रीनर। उस स्क्रीनर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ट्रेड करने में आपको जल्दबाजी नहीं करना, पहले आप थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, फिर नॉलेज गेन कर लीजिए, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन सारे के बारे में सीखना है, कैंडलस्टिक के बारे में या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिए, अगर आपको वो सही लगता है तो उसको आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया गया, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बताया गया। जो भी कोर्स को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, वो कोर्स का सारा वीडियो देखने के बाद आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस, ट्रेडिंग सेटअप सारा कुछ तैयार कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक बार आप मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, कोर्स पसंद आता है तो उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।